बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स फॉर क्लास टेंथ और हम इसमें चैप्टर नंबर टू कर रहे हैं। चैप्टर नंबर टू का नाम है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। और अब हम इसमें एक्सरसाइज नंबर 2.2 में क्वेश्चन नंबर टू का पार्ट वन और पार्ट टू करेंगे। क्वेश्चन नंबर टू का पार्ट वन है इवैल्यूएट ओमेगा पावर 12 प्लस ओमेगा पावर 58 प्लस ओमेगा पावर 95। और क्वेश्चन नंबर टू का फॉर टू है इवैल्यूएट 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर होल पावर 7। यानी हमने इस पार्ट वन और पार्ट टू की वैल्यूज़ जो एक्सप्रेशंस दी गई है उनको हमने सिंप्लीफाई करना है, उनकी वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी है। तो पहले हम पार्ट वन को लेते हैं। पार्ट वन है हमारे पास ओमेगा पावर 12 प्लस ओमेगा पावर 58 प्लस ओमेगा पावर 95। इन पार्ट्स को सॉल्व करने के लिए हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की प्रॉपर्टी से हेल्प लेंगे। सो पहले हम पार्ट नंबर वन को लेते हैं ओमेगा पावर 12 प्लस ओमेगा पावर 58 प्लस ओमेगा पावर 95। चूँकि 12 3 पे कम्प्लीटली डिविजिबल है इसीलिए ओमेगा पावर 12 को हम इस तरह लिखेंगे ओमेगा पावर 3 होल पावर 4 प्लस अपनी जगह पर ओमेगा पावर 58 की तरफ बढ़ते हैं। 58 चूँकि 3 पे कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है इसलिए अब हम इस ओमेगा पावर 58 को इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ 2 ओमेगा लिखेंगे। हर ओमेगा का अपना एक पावर या एक्सपोनेंट होगा। तो वो कैसे, इसके लिए हम यूँ करेंगे कि इस 58 को 3 पे डिवाइड करते हैं। सो 57 आया। इससे हमारे पास 58 को अगर 58 से अगर 57 को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो इससे 1 आता है। सो इस डिवाइज़र और इस क्वोशंट का प्रोडक्ट 3 × 19 इज इक्वल टू 57। ये 57 एक ओमेगा का पावर होगा और ये रिमाइंडर जो है उस प्रोडक्ट में दूसरी ओमेगा का पावर होगा प्लस ओमेगा पावर 95 है। 95 भी 3 पे कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है इसलिए अब ओमेगा पावर 95 को भी हम एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 ओमेगास लिखेंगे। हर एक ओमेगा का एक अपना एक्सपोनेंट या पावर होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम ये करेंगे कि 95 को 3 पे डिवाइड करते हैं तो इससे आ जाएगा 31 3 93। तो अगर हम 95 से 93 को सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास आ जाएगा रिमाइंडर में 2। तो इस क्वोशंट और इस डिवाइज़र का प्रोडक्ट जो है वो एक ओमेगा का पावर या एक्सपोनेंट होगा और ये रिमाइंडर जो है उस प्रोडक्ट में दूसरी ओमेगा का पावर या एक्सपोनेंट होगा। इस जैसा कि हम जानते हैं कि ओमेगा क्यूब 1 के बराबर है तो यहाँ पर हम ओमेगा क्यूब की जगह 1 पुट करेंगे, 1 पावर 4 आ जाएगा प्लस। अब 57 को क्या हम इस तरह लिख सकते हैं ओमेगा पावर 3 होल पावर 19। यानी यहाँ पर ये डिवाइज़र जो है ये ओमेगा का अपना पावर हो जाएगा और ये कोशंट जो है ये ओमेगा का होल पावर आ जाएगा मल्टीप्लाई ओमेगा अपनी जगह पर प्लस ओमेगा पावर 93 को क्या हम इस तरह लिख सकते हैं ओमेगा पावर 3 होल पावर 31। यानी यहाँ पर ये डिवाइज़र ओमेगा का अपना पावर आ जाएगा और होल पावर 31 आ जाएगा मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर अपनी जगह पर आया 1 पावर 4 से 1 आता है प्लस ओमेगा क्यूब 1 के बराबर आया। सो 1 पावर 19 मल्टीप्लाई ओमेगा अपनी जगह पर प्लस ओमेगा क्यूब अपनी जगह ओमेगा क्यूब की वैल्यू अगेन 1 है तो यहाँ पर हम ओमेगा क्यूब की जगह 1 पुट करेंगे 31 होल पावर 31 अपनी जगह पर आया मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर अपनी जगह पर आया 1 प्लस 1 पावर 19 हमारे पास 1 के बराबर है। सो इसे 1 मल्टीप्लाई ओमेगा आ जाएगा प्लस 1 पावर 31 हमारे पास 1 के बराबर है इस 1 मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई ओमेगा से ओमेगा आता है प्लस 1 मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर आता है बाय प्रॉपर्टी नंबर 1। हमें मालूम है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किस चीज़ के बराबर है, ये 0 के बराबर है। सो यहाँ पर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किस चीज़ के बराबर आया, 0 के बराबर आया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 में पार्ट टू करेंगे। पार्ट टू है इवैल्यूएट 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर होल पावर 7। सो इस पार्ट को हम लेते हैं 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर होल पावर 7।
जैसा कि हम जानते हैं वन प्लस ओमेगा स्क्वायर जीरो के बराबर है, तो यहाँ से हम वन प्लस ओमेगा की वैल्यू फाइंड करते हैं। वन प्लस ओमेगा की वैल्यू हमारे पास आती है माइनस ओमेगा स्क्वायर। सो यहाँ पर वन प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर होल पावर सेवन में हम वन प्लस ओमेगा की जगह पर फुट करते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर। सो इसे माइनस ओमेगा स्क्वायर और ये माइनस ओमेगा स्क्वायर अपनी जगह पर आया होल पावर सेवन। माइनस ओमेगा स्क्वायर इससे हमारे पास आते हैं माइनस टू ओमेगा स्क्वायर होल पावर सेवन। अब चूंकि अगर एक प्रोडक्ट पे एक्सपोनेंट आ जाए तो ये एक्सपोनेंट हम प्रोडक्ट में मौजूद हर नंबर पर लेते हैं। सो यहाँ पर माइनस टू और ओमेगा का प्रोडक्ट है, इस पर पावर सेवन आया है, तो ये पावर सेवन हम माइनस टू पर भी लेंगे और ये पावर सेवन हम ओमेगा स्क्वायर पर भी लेंगे। माइनस टू पावर सेवन से आता है माइनस 128 ओमेगा और टू अगर सेवन को मल्टीप्लाई किया जाए तो इसे आता है 14। माइनस 128 अपनी जगह पर आया, ओमेगा पावर 14 है। सो ये ओमेगा की हाई एक्सपोनेंट है और 3 पे कम्प्लीटली डिविजिबल भी नहीं है। सो इसको रिड्यूस करने के लिए हम ऐसा करते हैं कि इसको एज अ प्रोडक्ट और टू ओमेगाज लिखेंगे, हर एक ओमेगा का अपना एक एक्सपोनेंट होगा। अब कैसे, इस 14 को लेके हम 3 पे डिवाइड करते हैं, 3 फॉर 12 आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास रिमाइंडर 2 आ जाएगा। सो ओमेगा की प्रोडक्ट में, ओमेगाज के प्रोडक्ट में एक ओमेगा का एक्सपोनेंट आएगा 3 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई दूसरे ओमेगा का एक्सपोनेंट आएगा 2। माइनस 128 अपनी जगह पर आया, ओमेगा पावर 12 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं ओमेगा पावर 3 होल पावर 4 मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर अपनी जगह पर आया। माइनस 128 इंटू ओमेगा पावर 3 हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, 1 के बराबर है। यहाँ पर हम पुट करेंगे 1 पावर 4 इंटू ओमेगा स्क्वायर। सो माइनस 128 इंटू 1 पावर 4 हमारे पास 1 के बराबर है मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर अपनी जगह पर आया। माइनस 128 मल्टीप्लाई 1 से माइनस 128 आता है और ओमेगा स्क्वायर यहाँ पर अपनी जगह पर आ गया। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही।